Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Talent Education Point for Online Classes. मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ. ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, तहदिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे. इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि 10th क्लास के एक बहुत ही विशेष पाठ के बारे में है और बहुत ही हास्यप्रद पाठ है, जिसका नाम है द हार्ट ड्राइवर. हार्ट ड्राइवर, द को मालूम है, एक को बोला जाता है. हार्ट क्या होता है? तांगा. जैसे आपने देखा होगा तांगा गाड़ी होती थी. हार्ट ड्राइवर, ड्राइवर क्या होता है? वाहन या चलाने वाला. यू नो दैट दिस चैप्टर इज अबाउट ए मैन हु इज ए हार्ट ड्राइवर. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड अबाउट अ वेरी क्लेवर मैन, एक चतुर व्यक्ति के बारे में है, किस तरह से वो एक व्यक्ति को बेवकूफ बनाता है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में ऑथर यूज टू डू वर्क. ऑथर जो एक लॉ फर्म या कानून के क्षेत्र में कार्य करता है, एंड क्या कार्य है उसका? टू सबमिट द समन्स. समन्स सबमिटेड करना. समन्स क्या होता है? जो जैसे कोर्ट में आपको किसी गवाही के लिए या किसी कार्य के लिए बुलावा आता है, कोई व्यक्ति आपके पास चिट्ठी लेके आता है, तो उसको समन का नाम दिया जाता है. ठीक है, कोर्ट का व्यक्ति जब आपके पास संदेश लेके आता है, तो उसको समन नाम दिया जाता है. वही काम करता है कौन? और कौन? ऑथर या लेखक. एंड ही डिडंट लाइक दिस वर्क. ऑथर को यह कार्य पसंद नहीं है. क्यों? फॉर दिस वर्क, इस कार्य के लिए ही हैव टू विजिट डर्टी प्लेसेस ऑफ द टाउन. जो गंदे स्थान है इसके शहर के, वहां पे जाना पड़ता है लेखक को इस कार्य के लिए. दैट्स व्हाई ही डिडंट लाइक. इवन समटाइम पीपल यूज टू बीट हिम. कई बार तो लोग क्या करते हैं कि जब वो सम्मान देने जाता है लेखक, उसकी भी पिटाई लेखक की कर देते हैं. दैट्स व्हाई ही डिडंट लाइक दिस वर्क. ठीक है. और वन डे व्हाट हैपेंड, द ऑथर्स बॉस, एक दिन जो लेखक का बॉस था, मालिक था, ही टोल्ड हिम, उसने उसको बोला कि दैट यू हैव टू विजिट ए प्लेस, कि आपको जाना है एक स्थान पे जिसका नाम न्यू मिलियन है. क्या नाम है? न्यू मिलियन स्थान पे आपको जाना है. किस लिए? टू सबमिट ए समन, समन देने के लिए एक व्यक्ति के लिए, हुज नेम इज ओलिवर लुटकिंस. आपको एक व्यक्ति के पास जाना है उस समन देने के लिए, जिसका नाम क्या है? ओलिवर लुटकिंस. इन द बिगनिंग ऑथर वॉज नॉट हैप्पी. Author was sent to a place that is called New Orleans to submit a summon, कि आपको summon देना है एक व्यक्ति को जिसका नाम क्या है? Oliver Lutkins है. ठीक है. So author was very happy to visit a new place. लेखक जो था वो काफी स्थान था, खुश था कि उसे एक नए स्थान पे जाने का मौका मिला है, और वो स्थान कौन सा है? New Orleans का. इन इज ब्रेन, जैसे कि आपके होता है ना, कई बार आपको कहीं पे जाना होता है अनजान जगह पे, पहले ही आपको पता चलता है, तो आप उस जगह की संकल्पना करने लगते हो, उस जगह के बारे में सोचने लगते हो. वैसे ही ओलिवर जो था, ये सॉरी लेखक जो था, सोच रहा था न्यू मिलियन नाम के स्थान के बारे में. बट एक्चुअली व्हेन ऑथर विजिटेड न्यू मिलियन, ही डिडंट लाइक दैट प्लेस. जब न्यू मिलियन नाम के स्थान के लेखक पहुंचा, तो उसको वह शहर पसंद आया, क्योंकि दैट वर डर्टी, लार्ज स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ डस्ट, धूल, मड एक्सेट्रा. जो गलियां थी वो धूल मिट्टी से भरी हुई थी. शॉप्स वर वेरी स्मॉल, ठीक है, एंड ओल्ड फैशनड शॉप्स, एंड एवरीथिंग वाज नॉट ए गुड. पुरानी दुकानें थी, कीचड़ इत्यादि से गलियां भरी हुई थी न्यू मिलियन की, इसके कारण उसे पसंद नहीं थी न्यू मिलियन नाम की जगह. ठीक है. इसके अलावा एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे कहां पे? न्यू मिलियन में ऑथर विजिटेड और मेट ए, लेखक जो था मिला किससे? एक मैन विद रेड फेस, एक व्यक्ति से जिसका लाल चेहरा था, एंड वो वाज ए हार्ट ड्राइवर. जो कौन था? तांगा वाहक था या तांगा चलाने वाला था. दैट मैन वाज अबाउट समथिंग 40 इयर्स ओल्ड, लगभग वह व्यक्ति 40 वर्ष का था, और विद रेड फेस, लाल उसका चेहरा था. स्माइल टुवर्ड्स ऑथर, उसने ऑथर की तरफ बोला, मुस्कुराया, एंड ऑथर हायर्ड हिम. ऑथर ने उसको किराए पे किया घंटे के औसत से, और उसे वह लेके गया इन सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस.
ठीक है, एंड ही टोल्ड दैट ऑथर टोल्ड हिम, ऑथर ने उसको बताया दैट ही वांट टू विजिट ए मीट ए मैट ए मैन, वह एक व्यक्ति से मिलना चाहता है जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस है, बिकॉज ही वांट टू सबमिट दैट समन, वह उसे वह समन देना चाहता है. सो दे टॉक्ड एंड दे सर्च ओलिवर लुटकिंस इन एवरी प्लेस, दे वेंट टू गस्टफ शॉप्स, दे वेंट टू ओलिवर्स हाउस, एंड दे फेस्ड द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ ओलिवर्स मदर. वे ओलिवर्स मदर ओलिवर्स के घर पे भी गए, लुटकिंस के घर पे भी गए, गेस्टॉफ की दुकान पे भी गए, बार्बर शॉप पे भी गए, और हर जगह पे वो घूमते रहे, बट दे डिडंट फाउंड ओलिवर लुटकिंस, वो ओलिवर लुटकिंस को नहीं प्राप्त कर पाए. एट लास्ट दे दैट वॉज द टाइम आफ्टर समथिंग अबाउट 1 PM इन द आफ्टरनून, दोपहर के 1 बजे का लगभग का समय था. द ऑथर एंड बिल मैग्नीशियम सीटेड ऑन ए हिल, टॉप ऑफ हिल कॉल्ड वेडी हिल्स, एंड दे टुक देयर लंच. जो वेडी हिल थी वहाँ पे लेखक ने लंच किया किसके साथ, आर ड्राइवर या बिल मैग्नीशियम के साथ. एंड ऑथर केम बैक टू द रेलवे स्टेशन बिकॉज ही हैव टू कैच द इवनिंग ट्रेन. लेखक वापस आया विदाउट ओलिवर लुटकिंस, ओलिवर लुटकिंस को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन लेखक को शाम की ट्रेन पकड़नी थी जिसके कारण वो रेलवे स्टेशन पे आया. एंड व्हेन ही रीच्ड हिज बॉस, जब ऑथर पहुंचा अपने बॉस के पास, ही रिबॉक्ड, बॉस रिबॉक्ड हिम, बॉस ने उसको डांटा एंड टोल्ड हिम, और कहा टू वेंट अगेन टू न्यू मिलियन, कि आप वापस जाइए न्यू मिलियन नाम के स्थान पे. एंड व्हेन मैन वन मैन वाज आल्सो सेंट विद हिम, एक व्यक्ति को उसके साथ भेजा गया, हु नोज, जो जानता था पहले से किसको, ओलिवर लुटकिंस को. सो व्हेन द ऑथर एंड अदर मैन विजिटेड बिल मैग्नीशियम रेलवे स्टेशन अगेन, न्यू मिलियन स्टेशन पे, बिल मैग्नीशियम अगेन वेलकम देम, जो हार्ड ड्राइवर था बिल मैग्नीशियम था, उसने फिर से उनके स्वागत किया, उनकी तरफ मुस्कुराया. एंड द मैन विद ऑथर, जो लेखक लेखक के साथ जो व्यक्ति था, वो टोल्ड हिम, उसने उसको बताया दैट बिल मैग्नीशियम हिमसेल्फ इज ओलिवर लुटकिंस. क्या बताया, कि जो बिल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, वही है कौन, ओलिवर लुटकिंस. ऑथर वॉज वेरी सरप्राइज्ड, और लेखक काफी हैरान था, एंड ही सबमिटेड द समन, उसने समन को हवाले कर दिया. इट मीन्स वॉट, कि जो बिल मैग्नीशियम था वही ओलिवर लुटकिंस था, लेकिन वो अपने चतुराई के कारण बेवकूफ बनाया जा रहा था इसको, लेखक को. ये आपका चैप्टर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा. यदि कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. जय हिंद, जय भारत.